चलो बेटा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम के जी विथ स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ अ थीटा एंड रिबाउंड एट द सेम स्पीड एंड एंड द सेम एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी. चेंज इन मोमेंटम बोला है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे ही ये कोलाइजन करके रिबाउंड होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, बराबर. लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड, अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन देखनी ही नहीं है, आया वी स्पीड से, गया वी स्पीड से, तो चेंज कितना आया? जीरो. अगर चेंज इन स्पीड बोला होता तो आंसर जीरो होता. चेंज इन वेलोसिटी बोली होती तो बेटा आंसर जीरो नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंड डायरेक्शन चेंज होती है तो भी हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई. क्लियर? तो देखो, ये है वॉल, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया, वी जितनी वेलोसिटी से कोलाइजन करने जा रहा है, मास है बॉडी का एम. ठीक है बेटा, मास एम है एंड वेलोसिटी वी है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है. तो इसका जो मोमेंटम है ना बेटा, वो मोमेंटम इस डायरेक्शन का है, एम इंटू वी. अच्छा, आपको फिगर में एंगल भी दिया होगा. देखो, ये वाला एंगल थीटा दिया है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, जेड बन रहा है. मैं मोमेंटम के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट एंगल के टच में है? ये वाला. तो ये कौन सा बना? एम वी कॉस थीटा. ये कौन सा बना? एम वी. समझ में आया? तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या हुआ? एक्स कंपोनेंट क्या है? एम वी साइन थीटा आई कैप. परफेक्ट. मोमेंटम का वाई कंपोनेंट कौन सा है? नीचे की डायरेक्शन में है ना, माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. अब यही ऑब्जेक्ट यहां पे कोलाइजन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, मास है एम, वेलोसिटी है वी, तो इसका मोमेंटम जो है ना बेटा, वो यहां से अब इस डायरेक्शन में है, एम वी. क्लियर? मुझे ये एंगल दिया है थीटा, तो देखो बेटा यहां पे उल्टा जेड बना रहा हूं. समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा बनेगा. चलो, एम वी के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, बताओ ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? एम वी कॉस थीटा. ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? एम वी साइन थीटा. नेक्स्ट चैप्टर में बेटा मैक्सिमम केस में यही करना है, कंपोनेंट 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 निकलने आते हैं ना, पक्का? तो वो नेक्स्ट चैप्टर इजी रहने वाला है. तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या बना? एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा जे कैप. मुझे फाइंड करना था चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा. ये माइनस ये जीरो हो गया, आई कैप तो जीरो हो गया. ये माइनस ये मतलब एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एम वी कॉस थीटा जे कैप. समझ में आ रहा है? तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू टू एम वी कॉस थीटा जे कैप. ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, हाँ, एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप, ये कट हो गया. एम वी कॉस थीटा जे कैप माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया. ये है चेंज इन मोमेंटम वेक्टर. अगर आपको मैग्नीट्यूड बोला है
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा सिर्फ इसकी वैल्यू ले लेनी है, डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, जे कैप नहीं चाहिए। तो अपना आंसर होगा 2mv cos थीटा। आएगा?